नमस्कार योगिताज रेसिपीज में मैं योगिता मोहिते आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाते हैं तिल से सूखी चटनी यानी तिलकुट। देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या सामग्री लगती है। आज हम खाने के साथ में जो हम साइड में रखते हैं तिलकुट, महाराष्ट्रीयन ये चटनी है, मैं हमेशा बनाती हूँ तो अभी बना रही हूँ तो सोचा बनाती हूँ वीडियो। तो मैंने काले तिल लिए, देखिए ये कलौंजी नहीं है, आप नजदीक से देख सकते हो ये ऐसे है काले तिल, वो 50 ग्राम के करीब है। और पाव कप मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। यहाँ पे लहसुन की कलियाँ 10 है, बैंगनी मिर्च मैंने 7 से 8 लिए हैं और नमक है, मोटा वाला नमक मैं लेती हूँ तिलकुट बनाने के लिए, तो मैंने लिया, आप सादा भी नमक ले सकते हो। तो इससे अभी हमें सबको भून लेना है। गैस पे सबसे पहले मैं मूंगफली के दाने हमें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेने हैं पूरे। अभी इसमें ही हम ये लहसुन के कलियां डाल देंगे, इसे भी हमें रोस्ट करना है। मैंने छिलके के साथ लिया है, आपको चाहिए तो आप इसके छिलके भी निकाल सकते हैं। मिर्च हम इसी में डालने वाले हैं तोड़ करके, देखिए इसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस करेंगे ताकि हमें पीसने में और सेकने में भी अच्छा रहेगा। धीमी आंच पे इसे मैंने सेका है, 4 से 5 मिनट हो गए, इसे अच्छी तरह से सेकना है ताकि ये जो मिर्ची है अच्छी तरह से गर्म होके एकदम कुरकुरी बन जाए। अभी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, ये हो चुका है मिश्रण अपना, अभी हम इसे निकाल देंगे। काले तिल मैंने लिए वो हमें अलग से फ्राई करने, रोस्ट करने सॉरी। एक आध मिनट में ही तिल देखिए तड़तड़ होने लगे, अच्छी तरह से भून गए हैं। अभी गैस की फ्लेम हमें बंद करनी है और सारी चीजें हम मिला लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे 5 मिनट तक और इसे पीस लेंगे मिक्सी के जार में। आपके पास बत्ता हो तो उसके फल बत्ते में भी आप इसे कूट करके रख सकते हो, मोस्टली इसे कूट के ही खाना है, मस्त लगते हैं। तो अभी मैं मिक्सी के जार में थोड़ा बंद चालू करके इसे कूट ग्राइंड करती हूँ, आपको बताती हूँ। इसे ठंडा होने देंगे, मिश्रण ठंडा हो चुका है अपना, तो अभी हम इसे पीस लेते हैं। कंटिन्यू हमें मिक्सी का जार रखना नहीं है, थोड़ा बंद चालू करना है और इसे पीस लेना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना, मैं आपको बताती हूँ। देखिए बंद चालू करके मैंने आधे मिनट में ही इसे देखिए ग्राइंड कर लिया है, कैसा रहे ऐसा मिश्रण अपना होना चाहिए, ऐसा तिलकुट रहना चाहिए। मैं इसमें दिखाती हूँ आपको, निकालती हूँ, देखिए इसे भाकरी के साथ और कभी भी खाने में खिचड़ी वगैरह रहती है और कुछ सब्जी खास नहीं रहती तो इसका स्वाद आप ले सकते हो। मेरे घर में तो हमेशा बनती है तिलकुट और सबको पसंद आती है, हफ्ते के अंदर ये खत्म हो जाती है और तिल भी अच्छे फायदेमंद रहते शरीर के लिए, देखिए कैसा मस्त बना है। इसे किसी भी हवा बंद बर्नी में भर के रखिए, मस्त रहती है, बहुत दिनों तक चलते हैं तिलकुट। और आप इसे सब्जियों में भी ऐड करके खा सकते हो, जैसे कि गवार की सब्जी रहेगी तो उसमें भी मैंने बताया है इसका यूज, तो उसमें भी ये तिलकुट ऐड करके आप सब्जी बनाओ तो मस्त बनती है एट ए टाइम जल्दी जल्दी में और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। इसे रोटी के साथ खाइए, मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा, और खिचड़ी के साथ तो वाह बढ़िया, गरम गरम खिचड़ी और मैं बताती हूँ खाके बढ़िया मज़ेदार सही। खाने का स्वाद बढ़ाने वाली ये चटनी जरूर ट्राई करना तिलकुट, और कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।